धोनी रिव्यू सिस्टम की जगह साहा रिव्यू सिस्टम क्यों ला रही है बीसीसीआई। आईपीएल के पहले मैच में हो रहे दो ऐसे बदलाव, दोनों टीमों के छूटे पसीने। इस बार 20 ओवर के मैच में लगेगा आधा घंटा एक्स्ट्रा, क्यों उठी चर्चा। आईपीएल के दीवानों के लिए ये खबर बड़े काम की है, एक साथ तीन ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिससे सुनकर कई टीमों के फैंस नाराज हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात पर खुशी भी जता रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरे खेल की सूरत बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार 20 ओवर के मैच में आधा घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है। अब आप कहेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ भौकाल मचने वाला है, जिससे ऐसा होगा तो सिर्फ ओपनिंग के लिए नहीं बल्कि सारे मैच में टाइम बढ़ सकता है और आपका रोमांच दोगुना हो सकता है। वो कैसे और क्या बदलाव होगा ये आपको समझाएं, उससे पहले सुनिए धोनी रिव्यू सिस्टम की साहा रिव्यू सिस्टम वाला सवाल क्या है। खबर है कि डीआरएस यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम की जगह एसआरएस यानी कि स्मार्ट रिव्यू सिस्टम लाने की तैयारी है। 22 मार्च को सीएसके और आरसीबी के बीच होने वाली आईपीएल 2024 के मैच में इस्तेमाल हो सकता है। इसकी खासियत ये होगी कि अंपायर अब सीधा हॉक आई ऑपरेटर से सीधा कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। फील्ड पर 8 नए कैमरे लगाए जाएंगे, हर एक में नए नए एंगल से पूरे खेल की रिकॉर्डिंग होगी। पहले थर्ड अंपायर और हॉक आई ऑपरेटर के बीच में टीवी निदेशक कम्युनिकेशन का काम करता था, अब टीवी डायरेक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा। इससे फैसले में सटीकता आएगी, इसके लिए बाकायदा अंपायर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन सवाल ये कि अगर पहले ही मैच में इसे लागू किया गया और कोई गड़बड़ी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दोनों टीमों के बीच में इस बदलाव की बात से पसीने छूटे हुए हैं। अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि पहले मैच में इसे लागू किया जाएगा, पर ऐसी चर्चा जरूर है। धोनी के रिव्यू सिस्टम से तो अंपायर भी दंग हैं, वो भी उनके रिव्यू पर जल्दी सवाल नहीं उठा पाते। तो क्या धोनी के आईपीएल छोड़ने के साथ ही धोनी रिव्यू सिस्टम की जगह नए रिव्यू सिस्टम को लाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आप एसआरएस को किसी विकेट कीपर से जोड़कर देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म रिद्धिमान साहा से जुड़ता है। हालांकि साहा का रिव्यू कभी धोनी की तरह शानदार हो पाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि किसी नए नियम का पता तभी चल पाता है जब उसे लागू किया जाए, इसीलिए 22 मार्च का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि इस बार रिव्यू सिस्टम में नो बॉल और वाइड बॉल को भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर खिलाड़ी को ये लगता है कि अंपायर ने जो नो बॉल या फिर वाइड बॉल का फैसला दिया है वो गलत है तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है और फिर अंपायर उसकी समीक्षा करने के बाद नया फैसला सुनाएगा। हालांकि ऐसा होने पर समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि वाइड और नो बॉल का रिव्यू लेने का मतलब वक्त गवाना होगा, पर रूल में ये साफ लिखा हुआ है कि टाइम उतना ही मिलेगा। मैच के लिए पहले से जितना वक्त निर्धारित है उतनी ही देर में मैच खत्म करना होगा। यानी आधा घंटा एक्स्ट्रा वाली बात जो लोग कर रहे हैं वो महज अफवाह है। इस नियम को पिछले साल हरमनप्रीत कौर ने इस्तेमाल किया था। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इसे पहले ही मुकाबले में इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बार मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है और आरसीबी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जिसके बाद से फैंस ये भी कह रहे हैं कि इस बार पुरुष आईपीएल टीम में भी धमाल मचाएगी। और विराट ने जो कहा है कि मैं ये महसूस करना चाहता हूं कि ट्रॉफी जीतने पर कैसा लगता है, उसका एहसास उन्हें इस बार टीम दिलाएगी। बतौर फैंस आप किसी टीम को विनर बनाना चाहेंगे और इन नए नियमों पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर बताएं।